हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सेकेंड वीकेंड शो में आज हमारे साथ वो यंगस्टर्स मौजूद होंगे जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा भी मौजूद है। दे आर टैलेंटेड, दे हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस और आज आपने देख लिया वीकेंड शो में। लेकिन जब हम अलहमरा अनप्लग्ड के प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करते हैं तो इस तमाम के तमाम प्रोजेक्ट का सहरा एक नौजवान को जाता है। मैं उनके टैलेंट की बात करूं तो अगेन ही इज माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड। पढ़ाई के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको मालूम है जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो तो वैसे मैं कहती हूँ कड़े अक्सर हो जाते हैं क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है। चाहे जितनी भी प्रोफेशनल आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़े, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो या आप सीए कर रहे हो, आपको बहुत दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने अंदर जो टैलेंट मौजूद हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का हो, चाहे कोई और क्रिएटिव ऐसा काम हो जो आप करना चाहते हो और फिर इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाओ, ये बड़े मुख्तलिफ चीजें होती हैं। सो क्या मोटिवेशन थी कि इन तमाम यंगस्टर्स को इकट्ठा किया, हम जानेंगे बहुत सारी तालियों में। अबूबकर जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अबूबकर? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। सीए करके इंसान जरा कड़े नहीं हो जाता, आपने कैसे ये सब काम कर लिया? बस जब स्टडीज कंप्लीट की तो मतलब उसके बाद दिमाग खैर और खुल गया था। मतलब तो इसी तरह मतलब म्यूजिक का से सिंस चाइल्डहुड मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था म्यूजिक का। तो टैलेंट मतलब बंदे के साथ साथ हो, मतलब उसको स्टडीज पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और आपका एक रिकॉर्ड भी है, 20 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। 20 से ज्यादा, अमेजिंग अमेजिंग, एनी इंस्ट्रूमेंट? जी जी, एक्सीलेंट। अच्छा तो फिर ये अलहमरा अनप्लग्ड की अगर हम बात करते हैं, मैंने कुछ अपने पहले फ्रेंड्स से जाना समझा, फिर मैंने टेलीविजन पे देखा, फिर सोशल मीडिया पे इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई। तो मैंने अब जितना म्यूजिक मैंने देखा है, जितनी आवाज, जितनी डेडिकेशन है, अमेजिंग है। तो व्हाट वाज दैट पुश या मोटिवेशन जिसकी वजह से आपने ये सारा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया? अच्छा, बेसिकली ये 2015 की बात है, मार्च 2015 जब ये आइडिया बेसिकली जब वैसे ही आया था दिमाग में। मतलब फैमिली के साथ पार्क में बैठा हुआ था तो अचानक आइडिया, मैं पापा मतलब एक म्यूजिकल सीजन होना चाहिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, मतलब क्योंकि म्यूजिक का तो क्रेज है और अलहमरा में भी आना जाना काफ़ी था। मतलब तो आइडिया है कि उनसे बात की जाए कि मतलब, और मैंने कहा इतने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता हूँ और ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी प्ले किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने फंडिंग की है। एक्सेलेंट, और नॉमिनेट भी किया है। नॉमिनेट किया फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने कहा मेरे पास इतना मतलब टैलेंट है, उसको भी अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। मैंने कहा स्टडीज तो कंप्लीट हो चुकी है, अब और क्या करना है। तो वो कहते हैं हाँ गुड आइडिया। तो मतलब लेकिन मेरा भाई कहता कि तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, मतलब मजाक उड़ाते हैं ना जैसे। हाँ, जिस होता है। हाँ। कोई बहन भाई खुश नहीं होते उस वक्त, कभी खुश नहीं होते, फिर कहते हैं चलो। कहते हैं, हाँ, मेरा भाई है ये देखो। हाँ, अच्छा। तो मुझे भी ऐसे उसने मजाक उड़ाया यार, तुम्हारे मुंह पे कोई एक रुपया भी नहीं देगा ये वो। मैंने कहा चलो ऐसे है तो फिर ये चैलेंज ही सही। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, देख लेना। तो फिर पैशन तो मुझे बचपन से था, कुछ करना है कुछ। तो पापा ने ये नहीं कहा बेटा सीए किया जॉब करो चुप करके, ये नहीं कहा? अच्छा, मैं वैसे मेरा ये भी सीन था, मैं जॉब के लिए मतलब अप्लाई करता था लेकिन कुछ नेचुरली होता था, ऐसे कि मेरी लगती ही नहीं, तुम्हारी नियत ही नहीं ठीक थी। इसने काम ये करना था ना, इस वजह से जॉब करना नहीं चाहता था, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था इकट्ठे। बट देन अगेन इट्स अ बिग डील। मैं ये समझती हूँ कि यंगस्टर्स को इकट्ठे करना, अब इन सारे बच्चे बच्चियों को, यंगस्टर्स को इकट्ठे, खालिद को भी मैं बच्चा कह रही हूँ ना, कितने खालिद खुश हो कि इन तमाम यंगस्टर्स को इकट्ठे करना, किस तरीके से आपने इन लोगों की स्क्रीनिंग की और किस तरीके से जाना कि यार इसमें टैलेंट है इसमें नहीं है टैलेंट? जब पहले तो बेसिकली अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से जब वहाँ पे मैंने उनसे बात की कि स्टार्ट करना है, कैप्टन अता मोहम्मद खान साहब है, ही सपोर्टेड मी वेरी मच, उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया मुझे। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब हम ऑडिशनिंग करेंगे, तो पहले तो मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक ऑडिशन रखा क्योंकि मुझे यूथ चाहिए थी, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग हैं मतलब उनके साथ भी मैं, मुझे लगता था मैं शायद उस तरह काम ना कर सकूँ, इनके साथ दोस्ती भी है, हम लोग दो मतलब दोस्ती भी है और मैं इनको डांट भी लेता हूँ सबको, मतलब यार ऐसे नहीं ऐसे करना।
तो इस वजह से मैंने कहा था यूथ को ही मैं इसमें सामने लेकर आऊं। तो फिर उसके बाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जब एक ऑडिशन लिए तो मुझे 3 से 4 लोग वहाँ मिले, टोटल 80 कंटेस्टेंट्स थे जिसमें से 3-4 फाइनल हुए थे। रसब भी था उधर, मोइन बैठा हुआ है म्यूजिशियन में थे, मतलब 3-4 वहाँ से लोग हो गए। लेकिन फिर मैंने मैनेजमेंट को कहा मतलब ये तो कम है लोग, मुझे और भी चाहिए, मतलब डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोग चाहिए। फिर मैंने कैनेट कॉलेज में ऑडिशंस लिए, एफसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये लाहौर के मेन कॉलेज, यहाँ पे मैंने ऑडिशंस लिए। तो आपको अक्लीमा मिली कैनेट कॉलेज से, हुदा आपको लाहौर कॉलेज से मिली। जी, लेकिन इनका ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि मतलब आई वांट टू ज्वाइन अलहमरा प्लग, तो मैंने इनको कहा आप ऑडिशन सेंड करो, सुना मुझे पसंद आ गया इनको। यार ये अच्छे, वैसे ऑनलाइन ऑडिशन कितनी अच्छी बात है, ना तैयार होना पड़े, बैकग्राउंड में चाहे जो मर्जी हो। अच्छा तो तुमने ऑनलाइन मतलब ऑडिशन दे दिया, जाने की जहमत ही नहीं की? मुझे आइडिया नहीं था ऑडिशंस हो रहे हैं, एलसी में तो आए भी नहीं थे सर। लेकिन यू वांटेड टू ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा। तो अच्छा आपकी अगर बात करें, आप इंग्लिश ट्रैक्स आपने किए ज्यादातर? अच्छा एंड व्हाट अबाउट यू अक्लीमा, आई नो आपका जरा सूफी तरफ रुझान है। सूफी की तरफ है, साथ में मैंने सासकी माला भी गाया है, जरा उर्दू टच है वो, तो वैसे तो काफी वर्सेटाइल है लेकिन ज्यादा मेरा सूफी की तरफ, बट मोर ऑन द ईस्टर्न साइड। अच्छा खालिद व्हाट अबाउट यू, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपका ट्रैक अल्लाह हू जो जिससे स्टार्ट हमने किया, इट वाज अमेजिंग, यू गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। ये अबू बकर भाई का सारा, इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं एक सीज़न, तो इसमें हम आपके साथ करना चाह रहे हैं कि आप इसमें देखें, तो उसमें ऑडिशन दिए हमने, फिर अल्लाह हू हमने सेलेक्ट किया। उसमें जितने भी पोर्शन हैं मैं मेरे और कोरस के जितने भी हैं ये सब अबू बकर भाई ने डिज़ाइन किए। इसकी हमने तकरीबन 25 से 26 दिन हमने इसकी रिहर्सल की है, ठीक है। उसके बाद जाके काफ़ी दिनों के बाद फिर ये कंप्लीट होते होते, ये सब बहुत ही एक नई चीज़ है ये कवाली में, क्योंकि एक हमद है और हम में फिर एक मेरा पिया घर आया, ये एक दो फ्यूजन है, एक फ्यूजन उन्होंने किया, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा और मैं फ्यूजन की अगर बात करूँ, म्यूजिक बहुत उम्दा है, अगेन म्यूजिशियंस के लिए क्लैप हो जाए, इनसे भी हम आगे बात करेंगे प्रोग्राम में। बहुत परफेक्शन है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टेक्स लगती है, तब जाके आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। तनकीद करने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन जब यंगस्टर्स काम करें तो मेरे ख्याल में दिल खोल के दाद देनी चाहिए। अच्छा जी मैं चाहूँगी आप लोग क्या सवाल करूँ बताओ, मेरा दिल कर रहा है कुछ सवाल करने को या तुमसे ट्रैक सुन लूँ। मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा अपने मेंटोर का, सर अबूबकर जावेद का और कैप्टन ताज साहब का, जिन्होंने हमें ये यंगस्टर्स को मौका दिया और हम पे यकीन किया कि हाँ इनको ये करना चाहिए और ये करेंगे। और सर ने बहुत अच्छी सिलेक्शन की हमारे गानों की और हमें, हम पे इनको भी यकीन था कि तुम ये कर लोगे। हम लोग डरे हुए थे, मैं तो डरा हुआ था उस टाइम, सब मेरे सीनियर तुम अभी भी डरे हुए, मेरे से डरे हुए, मेरा कोई शुक्रिया अदा नहीं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शो पे बुलाया, कोई क्रेडिट ही नहीं मतलब मेरे लिए, मेरे लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी अबूबकर मैं चाहूंगी अगला ट्रैक सुनूं, आप बताइए कौन सा ट्रैक अगला ये पेश करने वाले हैं। रसब का है और इसमें जो है अक्लीमा और साथ हुदा। एक्सेलेंट जी प्लीज। Once again, talented youngsters हमारे साथ मौजूद हैं अलहमरा अनप्लग्ड के, और एक और शाहकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत सी तालियों में वेलकम करेंगे रेहान हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप रेहान? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है और थैंक यू आपने बुलाया। अच्छा थैंक यू, रसब ने नहीं किया, थैंक यू आपने कर दिया, मैं बहुत खुश हुई, वेरी गुड, आपकी अमेजिंग रसब की परफॉर्मेंस थी। अच्छा अबूबकर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जब हम अलहमरा अनप्लग्ड की बात करते हैं, ये सीज़न आप बना रहे हो इस एक अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, इस मरतबा कितने गाने आपने रिकॉर्ड किए? इस पर 8 सॉन्ग थे हमारे। अच्छा, 4 एपिसोड्स, ईच एपिसोड कंटेन्स 2 सॉन्ग। अच्छा एक्सेलेंट, एंड ये ट्रिब्यूट भी पेश किए हैं या आपके? उसमें से जैसे 4 सॉन्ग्स हमारे ऐसे हैं जिसमें ट्रिब्यूट दिया हुआ है, ठीक है, नुसरत फतेह अली खान साहब को और मैडम नूर जहान को। अच्छा माशाल्लाह, जी जी, वेरी गुड। और बाकी जो 4 हैं वो हमारे ओरिजिनल्स हैं जिसमें कुछ इंग्लिश भी हैं और जो, और इसके अलावा हम तो दूसरे सॉन्ग्स भी हैं, ये ना जाएं वे, ये हमारा ओरिजिनल है। अच्छा, और फ्रेश लिरिक्स और फ्रेश कंपोजिशन सारा खुद आप लोगों ने मिलकर आपने किया या सारी टीम एफर्ट थी? बिल्कुल टीम एफर्ट है सारे के सारी, और मतलब मेरा तो होता है कि मतलब मैंने म्यूजिक सारा उसको हेड करना है, अरेंजमेंट म्यूजिक प्रोडक्शन सारा वो मेरा काम होता है, तो लेकिन डेफिनेटली टीम के बगैर बंदा कुछ भी नहीं होता। नहीं बिल्कुल, तो इन सारों की बहुत ज्यादा एफर्ट है, म्यूजिशियंस का मैं बहुत थैंकफुल हूं, आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिन रात मेरे साथ काम किए दिन रात। ये क्या है, ये सारंगी है जो पकड़ा हुआ है? दिस इज कॉल्ड सारंगी और ये 150 ईयर्स ओल्ड है ये।
ये वाला पीस, ये वाला, दिस पीस 150 साल पुराना है, ये कहाँ से आपने उठाया है? ये मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने जब मैं छोटा था उन्होंने मेरा टैलेंट देखा तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया ये। अच्छा, गिफ्ट कर दिया। मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर ये सोचें सीए इसने किया है, ये जॉब कर रहा हो तो बैलेंस शीट को एंड में नंबर्स मैच नहीं हो रहे, इतने बैठ के सारंगी बजा रहा हो कि ये क्या होगा, कैसे होगा, कितना मजा है वैसे। अच्छा, थोड़ा सा लाइव बताएं तो सही, इसको जरा परफॉर्म करके, और कितना मुश्किल होता है, कितना डिफरेंट है ये गिटार बजाने से? दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ। ओके, और दिस वाज प्लेड इन मुगल्स एरा, और उसके बाद मतलब ये डाइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब लोग इसको ज्यादा प्ले नहीं करते, लेकिन अब थोड़ा सा इसको मतलब ट्रेंड तो नहीं है लेकिन ये कि यंग लोग तो नहीं इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि इसको लोग सीखना भी नहीं चाह रहे बदकिस्मती के साथ, यही होता है, थोड़ा सा टाइम कोई लगाता है, एक दो महीने को कहता है यार मेहनत बहुत मुश्किल। क्या मेहनत है इसके, इसके अंदर फ्रेट्स नहीं है, देखिए मैं फिंगर रख रहा हूँ नहीं, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कहाँ फिंगर रखनी, थोड़ी सी भी फिंगर ऊपर नीचे हो गई तो सुर खराब हो जाएगा सारे का सारा, और आपका जो इसका सुर मेलोडी सुनना चाह रहे हैं वो नहीं सुन। अच्छा, कुछ सुना सकते हैं कोई पीस, एक फेमस किसी गजल का या किसी कोई? मैं एक राग प्ले करूंगा क्योंकि इसकी ना ट्यूनिंग हुई होती है राग में, तो एक राग में ट्यूनिंग है, ये राग भैरू है, ठीक है, ये अरब में यूजुअली ज्यादा बजता है, तो थोड़ा सा एक मिनट का चंद जरूर जरूर। बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली हम सारंगी की बात करते हैं, इसको सीखना चाहिए। हम जब ईस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं बरसगीर में, हमारे मौसीकी के हवाले से अगर बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है जब हम क्लासिकल मौसीकी की बात करते हैं, सूफी म्यूजिक की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि बच्चे सीख सकें। चाहे तुम इंग्लिश गा रही हो तो आपका टोटली डिफरेंट एक जॉनर है, बट एक होता है कि यार मैंने बेस्ट करना है, मैंने बेस्ट गाना है, कुछ था इस तरह का बेस्ट नहीं, लेकिन हम लोग का ये होता है कि हम आपस में ही ना लाइक जुगलबंदी कर रहे होते हैं, इट्स नॉट लाइक एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, बट इट्स लाइक अगर मैं ये वाला गाना गा रही हूँ तो उससे रिलेटेड एक गाना वो गा रही है, मतलब मैं अगर उर्दू में गा रही हूँ तो वो इंग्लिश में उसी धुन में गा रही है। शुगल मेला कौन लगाता है मुझे ये बताएं? सबसे ज्यादा हमारे मोइन भाई। वेरी बैड, जेलस लोग हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, हाँ जेलस ही हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितनी टेक्स लगी हैं वीडियोस जो तुम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं? आई एम श्योर कुछ तो हुआ होगा। पहला गाना जो हम लोग का शूट हुआ था वो सांसों की माला, ठीक है, तो इट वाज आउटडोर, हम लोग के अल्हम्ब्रा के ग्राउंड में हुआ था, तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो एकदम से आंधी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, एंड नहीं हुआ था, बीच में हो गया था खतरे, बारिश वगैरह शुरू हो गई, एंड देन वी हैड टू शिफ्ट एवरीथिंग ओवरनाइट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी फिर से फ्रॉम द स्क्रैच हमारी वो शूटिंग हुई, तो दैट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग एज वेल, लेकिन मजा भी बड़ा आया, मजा भी बहुत आया। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा दूसरा नखरे कौन करता है टीम में सबसे ज्यादा? नखरे माशाल्लाह सबने किए, अदाएं किसके अंदर आ जाती हैं? मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं, मैंने रिकॉर्ड करा लिया गाना, ऐसा वाला कुछ है? अच्छा, वो अभी बच्चे हैं वैसे तो सारे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा होता है कुछ। अच्छा, लेकिन कितनी आपस में कम्युनिकेशन, कितनी एक केमिस्ट्री जो कहते हैं वो मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबके साथ मिलती है तभी इतनी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, सबके साथ केमिस्ट्री है। अच्छा, लेकिन कितनी ना कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कभी हिम्मत हारी? चलो स्टार्ट तो कर दिया था, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो गए, फैमिली की तरफ से भी एक पुश मिल गई थी, अब्बा ने नहीं कहा बेटा सीए वाली जॉब करो, सारा भाइयों ने थोड़ा सा किया जो हर कोई करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी वक्त के साथ साथ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, स्ट्रगल करनी पड़ी? अच्छा, स्टार्ट में थोड़ा सा ये हुआ था जब हम प्रोडक्शन, वैसे मेरा हर स्टेप पे मुझे प्रॉब्लम है, हर स्टेप पहले गवर्नमेंट ने कभी इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिया था, लेकिन अब लिया था और सब प्रोसेस से मुझे फर्स्ट टाइम गुजरना पड़ रहा था, इस वजह से आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक क्लैप इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हम खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे आप देखें तरक्की के कामों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के फरोग के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, और यंगस्टर्स को खास तौर पे यंगस्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। खालिद, आपको कैसा लगता है जब आप यंगस्टर्स की फहरिस्त में आते हैं? ये तो बहुत अच्छा लगना चाहिए था। था क्यों? अब तो नहीं ना लग रहा, अब आप कैजुअल रहेंगे। अच्छा,
خالد سب سے زیادہ کس سے بنتی ہے یا ریحان سے بنتی ہے؟ میں بتا دوں خالد بھائی ہمارے سینئر ہیں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے اور ہم ان کی بہت ریسپیکٹڈ ہیں ہمارے, تو ہم سب ان سے, یہ سینئر ہیں ہمارے تو ان سے پیار کرتے ہیں, لو یو سر. اچھا آپ کی اگر آواز کی بات کریں پاورفل وائس ہے, کتنا ریاض کرنا پڑا, کتنا سیکھا آپ نے خاص طور پہ, یا آپ سمجھتے ہیں گاڈ گفٹڈ تھا اور آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا آپ نے اس میں؟ گاڈ گفٹڈ تو آواز ہوتی ہے لیکن اس کو نکھارنا پڑتا ہے, ریاضت تو سب سے زیادہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں مجھے میوزک سیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, پہلے الحمرا سے اسٹارٹ کیا ہے میں نے, پھر ہارمونیم کلاس, پھر ووکل کلاس, اس کے بعد میں باقاعدہ شاگرد ہوا استاد راحت فتح علی خان صاحب کا. اچھا ماشاء اللہ, پھر اس کے بعد کر رہے ہیں ابھی تک, ابھی تک ریاضت ہی کر رہے ہیں, ابھی سیکھ ہی رہے ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے. لیکن بہت امیزنگ جو بھی آپ کر رہے ہو, جتنا پرفارم کر رہے. اچھا جب سنگنگ کی بات آتی ہے خاص طور پہ نا, اس میں صرف آواز نہیں, آپ کی لکس میٹر کرتی ہیں, ایکسپریشنس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے آپ پہن رہے ہو اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ ساری باری باری بتاؤ کہ آپ کا تو ذرا تھوڑا ایسٹرن ہے صوفیانہ, تو کیا سوچتی ہو کس طرح سے پریزنٹ اپنے آپ کو؟ مجھے ویسے بھی ایسٹرن ہی پسند ہے, ٹریڈیشنل ٹائپ جیسے فراکس ہو گئیں یا کلرفل جو چیزیں, وہ زیادہ آڈینس کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ خود بھی بڑا وائبرنٹ ایک ڈفرنٹ ایک پرسنالٹی آتی ہے نظر, تو آئی لائک ویری جوونٹ. اچھا کبھی یہ نہیں ہوا کہ یار اگر میں اس طرح زیادہ ہیوی ڈریسنگ کروں گی تو میں اپنی عمر سے زیادہ میچور نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ کیونکہ ایک تو دیکھنے میں بھی ویسے بہت میچور لک آتی ہے, تو پھر ایک ذرا اپنی عمر کے حساب سے بھی کرنی چاہیے ایک ڈریسنگ, تو وہ پھر اچھا بھی لگتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ یو, کوئی انسپریشن ہے؟ بیکاز دین آپ کا جانرا ذرا انگلش میوزک ہے, اس کے اندر تھوڑا فنکی قسم کی لک ہونی چاہیے. انسپریشن جو ہو یہاں پہ تو نہیں ہم لا سکتے انگلش والی پاکستان میں, لیکن ایسی ڈریسنگ یہاں کے سوسائٹی کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہونی چاہیے, ڈیسنٹ ہونی چاہیے, لیکن بہت زیادہ مین اسٹریم نہیں. اچھا آپ کیوں خفا ہیں قاسم, کوئی خاص وجہ زندگی سے؟ اچھا مجھے پتہ لگا یہ میرے ساتھ بیٹھے. جی ویلکم بیک ونس اگین, ایکسلنٹ پرفارمنس اینڈ آئی ایم ان لو ود دا وائس, دا میوزک, دا لیرکس, ایکسلنٹ, امیزنگ. کوئی مطلب میری تعریف, جب میں یہ میوزک صرف سنتی ہوں, لیٹ اسائیڈ کہ میں ان سب کو ذہن میں رکھوں کہ یہ گا رہے ہیں, میوزک بہت پروفیشنلی آرگنائز کیا ہوا ہے, بڑا لگتا ہے کہ ایکسپیرینسڈ کسی شخص نے, جس کو 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہو, شاید میں مانوں نا ادر وائز کہ یہ آپ نے اس کو آرگنائز کی ہے. کبھی کسی اور نے یہ بات کہی کہ یار لگتا نہیں ہے تم نے یہ آرگنائز کی, لوگ دیکھ کے مانتے ہی نہیں کہ میں نے کیا. یہ تو فیکٹ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار باقی ایک وینچرز بھی ہیں لیکن ان کے تو کافی ایج ہے, ان لوگوں کی ایکسپیرینس ہے, آپ نے فرسٹ ٹائم آ کے اتنا وہ کام کر دیا تو, لیکن پھر یہ کہ ان کو لائیو کچھ سناتا ہوں یقین آتا ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلب اب ایکسپیرینس میرا, میں لائک 15 ایئر سے میں میوزک میں ہوں, مطلب پہلے پیانو سے اسٹارٹ کیا, پھر ایک اور انسٹرومنٹ ایڈ ہو گیا, وائلن, ستار, پھر سارنگی سیکھی, تو بہت زیادہ نالج. وہ ایک چیز تھی جو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ڈیولپ ہوئی اور اس وجہ سے میرا یہاں پہ کریز بہت زیادہ مطلب ڈیولپ ہوا. اچھا مجھے بتاؤ کتنے فینز وغیرہ بھائی کینیڈ کے اندر آپ سب کی, ہر جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی, پنجاب کالج میں آپ ہو, کدھر ہو, یونیورسٹی آف ہارڈ, تو کیسے مطلب فین فالوئنگ ہے؟ بہت ہے کیونکہ ہم لوگ کے کنسرٹس بھی کافی ہوئے تھے کینیڈ میں. ہاں جی کینیڈ میں بھی, اور میں نے قاسم بھائی کے ساتھ بھی پریپئر کنسرٹ کیا تھا, بیسٹ بی این یو میں کیا تھا, تو وی ہیڈ اے ویری پازیٹیو رسپانس. ٹیچرس کا کیا رہا؟ ٹیچرس کا بھی بہت, میری اپنی جو کلاس کی ٹیچر تھے ویری امپریسڈ, ان کو ہم آپ کہاں سے نکلی ہوئے بس میم بس آئے گی, کیونکہ اوبویسلی کلاس میں تو آئی ہیو اے ڈفرنٹ پرسنالٹی, اور یہاں پہ انہوں نے بالکل دیکھ کے کہا کہ آپ کہاں سے گانے لگے ہیں. نہیں بٹ کینیڈ میں, میں خود کینیڈ سے پڑھی ہوئی, میں بالکل نہیں بتاؤں گی میں نے کس سال میں بیچلرس کیا تھا, کیونکہ آپ لوگوں نے کیلکولیشن کرنی میری عمر کیا ہے, تو میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی, پتہ نہیں میں بتاؤں گی. 2000 something میں کیا تھا میں نے, اس کے بعد آگے بالکل نہیں بتانا, سب سوچ لو آپ, سمجھ لو, آئیڈیا لگا لو خود ہی. اچھا مجھے بتاؤ آپ لاہور کالج میں کس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ ٹیچرز بہت سپورٹیو ہیں بالکل, پہلے لگتا تھا وہ کہیں گے کہ آپ لوگ تو پڑھائی آپ لوگوں کی ہے نہیں اور سنگنگ, لیکن جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا سچ میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے جب لانچ ہوگا, اور جب میں نے ان کو بتایا انہوں نے ساروں کو جو ہے سب کو پتہ لگا, اور اس کے بعد اتنی سپورٹ ٹیچرز بہت کرتے ہیں, لگتا نہیں ہے, ڈر لگتا ہے لیکن جب ان کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے اصل میں. بات اپنا اسٹوڈنٹ آگے گیا, ان کا فیملی کی سپورٹ کتنی ہوتی ہے؟ اب لڑکوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یار انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, سی ایس ایس افسر بننا ہے, میوزک میں, یہ سوچ ختم ہوئی ہے یا
सपोर्ट मिली या नहीं मिली है? मिली है, काफ़ी हद तक मिलती भी है, कुछ अपने पे भी डिपेंड करता है कि पढ़ना भी है, स्टडी जरूरी है, अगर जो गाना गा रहे हैं तो उसके साथ पढ़ना, घर वालों की भी तो एक रिक्वायर होती है ना कि यार बच्चा पढ़े, तो उनको भी लेकर चलना होता है अपने उसको काम, यानी सबको खुश रखा हुआ है तुमने। व्हाट अबाउट यू? मेरा इस बात का मानना है कि पेरेंट्स जो हैं डेफिनेटली हमसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो हमें कहते हैं ना कि आपने इस चीज़ से मना हो जाओ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो हमारी भलाई चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो इस चीज़ की उम्मीद बांधते हैं ना कि हम यानी कि यूथ कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चे को अगर हम चाहते हैं पेरेंट्स की नज़र में एक अच्छा रिस्पॉन्स देना, ठीक है, जैसा कि वो चाहते हैं, सो हम यूथ की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएँ एक पॉजिटिव वे के अंदर कि पेरेंट्स जो हैं हमारी एक यानी कि एग्जाम्पल देखते हुए, ठीक है, अपने बच्चों को भी कह सकें हम ठीक है मैं समझ, ठीक है गाना ठीक है, कटिंग मेरे लिए बनती है। जदों होली जाई रसब आमिर और इज्जत फातिमा, मैडम को ट्रिब्यूट पेश की है। जी अच्छा कौन कौन गा मैडम? अच्छा ये जो ट्रैक्स की सिलेक्शन है जो ट्रिब्यूट्स की थी वो किस तरह से आपने की थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये लेजेंड्स हैं, इन्होंने हजारों की तादाद में गाने गाए हैं, आप किस तरीके से सिलेक्शन की? अच्छा जब ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट मैंने मतलब एक महीना घर बैठ के सिर्फ ये सोचा था कि सॉन्ग्स कौन से होने चाहिए मतलब, तो और मुझे आइडिया था कि इस तरह के मुझे आर्टिस्ट मिलेंगे तो इस तरह की सॉन्ग सिलेक्शन होगी, तो मुझे उस्ताद नुसरत अली खान सॉरी उनके मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं सॉन्ग, और मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग, ठीक है, तो मुझे था कि मैं इन दोनों के करूँ, थोड़े से लोगों ने सुने भी हुए हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं कंपोजिशन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी है, मेरा था कि थोड़ा सा सुनाओ और उनको नए रिप्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल न्यू वे में। सॉन्ग सिलेक्शन में एक और चीज़ है, सर के घर हम बैठे हुए थे, मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, तो सर की मदर जा रही थी अमेरिका, तो हम आज से मतलब सीजन जब ये सिलेक्शन के लिए सोच रहे थे तो सर ने मैं इनको सुना रहा था ना जाएंगे सजना ना जाएंगे उनका बहुत बुरा प्रदेश है सजना ना, तो इनकी वालदा अमेरिका जा रही थी तो वो रोने लग गई, मतलब वो उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, तो ये मेरा जो नाम है मैं सॉन्ग उसके पीछे ये स्टोरी है। बड़े-बड़े लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश हमें करना चाहिए, ये वो तमाम हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनसे बहुत कुछ हमारे यंगस्टर्स सीख सकते हैं, तो भाई बहुत सी क्लैप। Welcome back once again an amazing performance. अच्छा जी, parents की जब बात आती है कितना समझते हो कि youngsters को parents की भी बात सुननी होती है, side by side काम को लेके चलना चाहिए? Support की जहाँ तक बात है parents की वो बहुत बहुत important है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एक लड़की होने के नाते एक बात करूँ तो एक बहुत, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं गाना, I have to represent each and every girl, each and every woman, each and every parent out there. मेरे लिए तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फैक्टर को एक ध्यान में रखें कि पेरेंट्स का जितना सपोर्ट मिले, और बेशक ना भी मिले लेकिन आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स है, चाहे आप कुछ करें वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे, बिल्कुल, एज लॉन्ग एज आप उनके हद तक एक हद तक आप उनको। और मैं आपको एक ये पढ़ाई का भी मुझे बताएं, बल्कि अबूबकर आप ही बताइएगा, ऑब्वियसली आपने जो पढ़ाई की है प्रोफेशनल उसका दूर दूर तक म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आप क्या समझते हो कि पढ़ाई साथ साथ जितने यंगस्टर्स हैं जो इस काम में आना चाहते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करना कितना जरूरी और उससे आपका कितना विजन ब्रॉड? अच्छा, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में ना स्लम्प कह लें, रिसेशन है अभी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री उठ रही है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री, अगर तो हम बाहर की बात करते हैं ना वेस्टर्न जो है, मतलब वहाँ पर इस तरह सीन नहीं है, वहाँ पर खाली गिटारिस्ट भी अपना घर चला सकते हैं, ठीक है, उसको इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है, एजुकेशन सबसे पहले, ठीक है, अगर मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि एजुकेशन कंप्लीट करके जो मर्जी करो, तो मैंने एजुकेशन साथ की है और फिर म्यूजिक की है, इसलिए मैं सक्सेसफुल होगा, मैं खाली सरंगी वाला होता ना तो मैं बाहर रुल रहा, बिल्कुल सही। सो पढ़ाई साथ साथ करना बहुत जरूरी, मैं इसीलिए बार बार एम्फोसिस दे रही हूँ, आप समझने एक लेक्चर दे रही हूँ कि पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, फिर अपना शौक को प्रोफेशन भी बनाएं, लेकिन पढ़ाई हर काम पे हर जिंदगी के मोड़ पे आपको हेल्प करती है। अच्छा भाई, लड़के लड़कियों अगर फिर फिल्म से ऑफर आ गई तो कौन, मतलब कौन सा, तुम कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगे ये बताओ? चार्ली मामू का है,
आपने अपना बता दिया कौन सा कैरेक्टर करोगे ये बताओ इसका फ्रेंड है वो अल्ताफ हाँ तो वो चार्ली मामू का हमारे सीजन में वीडियो शूट होता था तो वो करता था तो इसको भी अल्ताफ बहुत पसंद है अच्छा तो मैंने तुम्हारा तो पूछें कि ये अल्ताफ की एक्टिंग करके दिखा इस मैंने ये सोचा कि इसका तो रोल होगा सिर्फ हर 5 मिनट बाद कहना ठीक है ठीक है ठीक है ये वाला इसका आप दोनों बताओ कि अगर ऑफर शॉफर आ गई तो फिर बल्कि बड़ी अजीब सी बातें मुझे हुई भी थी मैं अलहमरा मेरी एक परफॉर्मेंस थी मेरे उस्ताद सर रऊफ उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ था तो वहाँ पे जब वो ख़त्म हुआ तो एक एक बंदा आया तो कहते हैं कि मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ पता नहीं कहाँ से आए थे वो तो कहते हैं कि मैंने एक मेरे इमेज में एक हीरोइन की एक है तो आप बिल्कुल इस पर फिट करती हैं आपकी आवाज़ भी अच्छी है आपकी लुक्स वगैरह भी है तो अगर आप चाहें मैं जी जरूर ओके ठीक है तो वो या वहाँ पे ही तुम रोक गई उधर ही अच्छा खालिद अगर आपको ऑफर आए तो किस हीरोइन पाकिस्तानी हीरोइन के साथ आप अपने साथ मंजर आम पे देखना चाहेंगे पहले तो मैं म्यूजिक का ही करता हूँ तो फिर म्यूजिक ही किसी मूवी के लिए अगर कुछ होगी तो म्यूजिक का होगा तो मैं म्यूजिक करूंगा अच्छा नहीं भाई म्यूजिक नहीं साइड पे एक्टर आपको हीरो रख लिया टें टें नहीं नहीं वो बहुत मुश्किल काम है वो हमारे बस का काम नहीं भाई हीरो रख लिया बस किसी नहीं, ने बस रख लिया आ ही नहीं सकते उसने कहा बजट में और नहीं बस इसको रखना है अब बोले नहीं उन्होंने नहीं फिर भी नहीं कोई नहीं विलन का किरदार करेंगे म्यूजिक सिर्फ हीरोइन के भाई का किरदार ये कर लेंगे डन है हीरोइन के भाई का किरदार आप बताएं आपको अगर कोई कैरेक्टर हो ऑफर तो जी तो मैं सीरियस हीरो का किरदार करूं भाई तुमसे बोला जाओ नहीं सीरियस कैरेक्टर अच्छा हीरोइन कौन चाहिए होगी किस हीरोइन के साथ पाकिस्तानी इतनी एक्ट्रेसेस हैं जो इतना अच्छा काम कर अगर मैं नया एक्टर इंट्रोड्यूस होऊंगा तो फिर मुझे नई हीरोइन ही चाहिए होगी अच्छा लेकिन अगर कहें कि भाई कोई पुरानी कोई हीरोइंस में से नई नहीं है तो फिर इतनी सारी हैं मीरा जी ये है चॉइस ये मैंने नहीं इन्होंने कहा है अब आगे तुम बोलो ठीक है ये दोबारा यहाँ पे क्यों बनता है ठीक है ठीक है एंड व्हाट अबाउट यू अच्छा वैसे मुझे बहुत शौक है मूवीज में काम करना बहुत ज्यादा अच्छा और मैं इंशाल्लाह करूंगा भी तो किस हीरोइन खुद ही बनाओगे फिल्म हाँ खुद बनाऊंगा हीरोइन लीड हीरो मैं खुद हूँ अच्छा हीरोइन में से माहिरा खान माहिरा खान चले जी माहिरा अगर आप सुन ली प्लीज डेट्स दे दीजिएगा फिल्म भी खुद ही बनाएंगे ये भी ठीक बट थैंक यू सो मच इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू थैंक यू सो मच आपके बैंड के लिए भी क्लैप हो जाए एंड अमेजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह ठीक है वाला काम करते रहें बल्कि इससे बेहतर काम करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं आप जितना हो सके अच्छा काम करो और यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत टैलेंट मौजूद